सो गाइज, माय नेम इज़ आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। आज के AEW के कॉलिजन शो में हमें दी आउटकास्ट वर्सेस हिकारू शीडा, काफ़ी सारे सुपरस्टार के बीच में हमें एक 3-on-3 वुमेन्स का टैग टीम मैच देखने को मिल रहा है। तो इसी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लो और चलिए सेल वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइज, आज के AEW के कॉलिजन शो में हमें राइट नाउ एक 3-on-3 वुमेन्स का टैग टीम मैच देखने को मिल रहा है। दी आउटकास्ट के मेंबर यानी कि टोनी स्टॉर्म एंड रूबी सोहो वर्सेस हिकारू शीडा, ब्रिट बेकर एंड क्रिस स्टैंडर के बीच में, यानी कि एक वुमेन्स डिवीजन से हमें 6-on का वुमेन्स डिवीजन से 6 वुमेन्स का टैग टीम मैच देखने को मिल रहा है। अब देखो, कल हमें AEW का ऑल आउट पेपर व्यू देखने को मिलने वाला है। इसी को देखते हुए ये वाले मैच को AEW अनाउंस करती है। और गाइस, आज के AEW के कॉलिजन शो में द आउटकास्ट वर्सेस डॉक्टर ब्रिट बेकर, हिकारू शीडा एंड क्रिस स्टैंडर के बीच में एक वुमेन्स का हमें 6 मैन का टैग टीम मैच देखने को मिल रहा है। यानी कि आई एम सॉरी, 6 वुमेन का हमें टैग टीम मैच ऑफिशियली देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं गाइस कि हमें क्या देखने को मिलता है। अब देखो गाइस, ये वाला मैच हमें क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑल आउट में किस स्टैटलैंडर वर्सेस और किसी के बीच में नहीं, बल्कि रूबी शोहो के बीच में मैच होने वाला है। और गाइज, इसी को देखते हुए राइवलरी को आगे बिल्ड करने के लिए ये वाला मैच हमें देखने को मिल रहा है। वेल देखो, मॉर्निंग में मैं ये इस वाले ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आगे पीछे थोड़ी सी मतलब प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, तो इसे इग्नोर करना। तो हाँ गाइज, आज के AEW के कॉलिजन शो में हमें कुछ यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। फाइनली बाय बाय फ्रेंड्स। Turn this shit around, it's not about the loss. It's all you need to know.